नमस्कार, स्वागत है आपका द नेशनल टीवी में। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंका से दशाश्वमेध घाट तक 6 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, मनोज सिन्हा, अनुप्रिया पटेल, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, ये सभी लोग शामिल होंगे। सपा नेता आजम खान ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासक ने मुस्लिम मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया। उनके अनुसार मुस्लिमों को बिना हस्ताक्षर के रेड कार्ड देकर घर से न निकलने की सलाह दी गई और एक दिन पहले डीएम और एसपी ने मुस्लिमों को पीटा। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती ने हाल ही में एक चुनावी सभा संबोधित की। सभा में कहा कि जो हमारे नेताओं की ओर उंगली उठाएगा हम उसका बाजू काटकर हाथ में ले लेंगे। और ये पहली बार कोई धमकी नहीं दी गई है। इससे पहले भी सत्ती का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था। और अब आखिर में सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेशन मास्टरों के पास आतंकवादी संगठन के नाम से एक चिट्ठी पहुंची, जिसमें खुली धमकी दी गई है। चिट्ठी में बरेली समेत 11 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जान से मारने की धमकी भी मिली है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।